अगर आप नहीं जानते तो यूएसडीसी क्या है कि ये टेरा लूना का खुद का अपना एक स्टेबल कॉइन था जो कि यूएसडीसी के नाम से था, जैसे कि यूएसडीटी है, पहले बीएसडी भी था, उसी तरीके से यूएसडीसी था जिसकी वैल्यू हमेशा $1 थी और $1 के बराबर ही रही है। लेकिन जब टेरा लूना क्रैश हुआ था, यानी कि जब इनका एक स्कैम सामने आ गया था, उसकी वजह से लूना की वैल्यू तो नीचे गिरी थी, इसी के साथ साथ यूएसडी जो इनका था, यूएसडी की वैल्यू भी नीचे गिरनी शुरू हो चुकी थी। यानी कि यूएसडी जो एक्चुअल में था उसकी $1 वैल्यू थी और $1 से ये सिर्फ कुछ सेंट या फिर उससे भी ज़्यादा नीचे चली गई थी। तो उसके बाद यूएसडी का जो नाम यूएसडीसी रखा गया था, यानी कि यूएसडी क्लासिक। सिमिलरली जो टेरा लूना था तो टेरा क्लासिक भी बन गया था, यानी कि लूना का भी एक क्लासिक बन गया था जिसको पुराना कॉइन माना जा रहा था। फिर उसके बाद एक हार्ड फॉक के बाद एक नया कॉइन आया जिसको एक्चुअल में लूना माना गया और जो स्टेबल कॉइन है वो बंद कर दिया गया था। और आज के दिन अगर आप देखते हो तो इसमें जो टेरा लूना है इसमें भी 40-50% का इंक्रीज आया है। लेकिन अगर हम टेरा क्लासिक यानी कि यूएसडी की बात करें, यूएसडीसी की बात करें, तो इसमें 200-250% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिला पिछले 24 घंटे के अंदर। लेकिन ये तो प्रॉफिट की बात है, इसी के साथ साथ अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो 24 घंटे के अंदर 1200% से भी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है इसका, यानी कि लगातार इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और इस देखते देखते जो एक्चुअल लून है यानी कि जो नया लून है उसकी वैल्यू भी लगभग 90 सेंट तक पहुंची है, जो कि आज के दिन 92 सेंट तक पहुंची थी। यानी कि जो एक्चुअल लून है, जो नया कॉइन है, नया बना है जो कॉइन, उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी जा रही है बहुत ऊपर। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या ये $1 तक USTC पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लूना जो एक्चुअल में वो तो पहुंच जाएगा। लूना क्लासिक की बात करें तो लूना क्लासिक की जो वैल्यू वो $0.00011 है, जो कि मीम कॉइन की तरह वैल्यू इसकी बन चुकी है। तो उसका $1 पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। लेकिन जो USTC है इसकी वैल्यू डेफिनेटली $1 तक जा सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूँ कि इसकी वैल्यू बढ़ क्यों रही है, कब तक बढ़ेगी और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कहाँ तक वैल्यू इसकी जा सकती है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। बाकी अपडेट्स मैं आपको हमेशा टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने सबसे पहले अपडेट डाली थी कि USTC की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ पर आपको अपडेट भी किया था। लेकिन इसी के साथ मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक एयर ड्रॉप जिसमें आपको भी एक बहुत बड़ा गिव अवे मिल सकता है। लगभग $20,000 का मंथली गिव अवे रहता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले क्रिप्टो इनसाइडर न्यूज़ के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लेटेस्ट एंड मोस्ट इंसाइटफुल क्रिप्टो न्यूज़ देख सकते हैं। हर तरह के आपको यहाँ पे मार्केट एनालिसिस भी मिल सकते हैं, तो आपको कहीं और मार्केट एनालिसिस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप क्रिप्टो इनसाइडर के ऊपर जाइए और वहीं पर एनालिसिस चेक कर सकते हैं। एंड बहुत बड़ी चीज़ जो आपके लिए वो ये है कि $20,000 USDT का मंथली गिव वे यहाँ पे रहता है जिसमें आप हर महीने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गिव वे के साथ साथ एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एयर ड्रॉप्स मिलते रहते हैं, यानी कि आपको एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप्स मिलते हैं यहाँ पे। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको फ्री में कुछ ना कुछ मिलता रहता है जिसमें आपको कुछ यूनिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं या फिर कई सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो क्रिप्टो स्पेस में हम बहुत बार मिस कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ों का आपको अपडेट हमेशा दिया जाता है क्रिप्टो इनसाइडर से, यही कारण है कि इसका नाम भी क्रिप्टो इनसाइडर है, यानी कि क्रिप्टो के अंदर वाली न्यूज़ या फिर ऐसा एनालिसिस जिससे आप भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि एयर ड्रॉप्स भी ऐसे होते हैं, ऐसे रिवॉर्ड्स भी होते हैं, बेनिफिट्स जो आप हमेशा मिस कर देते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे अपडेट रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। तो इसके लिए आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, गिव वे वाला फॉर्म है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स देकर इसमें पार्टिसिपेट करना है। एक तो आपका गिव वे में पार्टिसिपेशन हो जाती है और इसी के साथ साथ आपको एयर ड्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन भी रेगुलर बेसिस पर पहुंचाई जाती है। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे आपने नाम अपना डाल देना है और इसी के साथ अपना व्हाट्सएप वाला जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है ताकि आप तक हमेशा हर एक अपडेट पहुँचे, चाहे अगर कोई भी एयर ड्रॉप आता है मार्केट में वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ईमेल एड्रेस डालना है ताकि आपको मेल भी पहुँचे, और वॉलेट एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है, अपने डिफाई वॉलेट एड्रेस डालना है, यानी कि या तो मेटामास्क का होना चाहिए या फिर ट्रस्ट वॉलेट का होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म जरूर कर देना कि आने वाले समय में क्या आप फ्यूचर एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली इसको येस कर देना ताकि कोई भी नया एड्रॉप आता है तो आप तक हमेशा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और यहां पे करना डिड यू विजिट वेबसाइट, तो ये वेबसाइट आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे खोल लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कितनी सारी अपडेट्स हैं, कितनी सारी न्यूज दी गई है, मार्केट एनालिसिस भी यहां पे दिए गए, इस टैब के ऊपर जाकर आप एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स एंड गाइड्स भी दिए गए हैं। यहाँ यस क्लिक कर देना, डिड यू फॉलो ट्विटर, तो ट्विटर को फॉलो कर लेना, इसी के साथ लाइक एंड रीट्वीट कर देना, ये वाली जो पोस्ट दी है इसी पोस्ट को आपने लाइक एंड रीट्वीट कर देना अपने ट्विटर के ऊपर, और आपने यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर देना है
और टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, ये भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। फिर इसके बाद व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आखिर में टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वेबसाइट विजिट करी, फिर उसके बाद ट्विटर, फिर उसके बाद लाइक एंड रीट्वीट, फिर सब्सक्राइब करना है यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ये सारे स्टेप्स अगर आप पूरे कर देते हैं, उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे $20,000 के गिव अवे में। और इसी के साथ साथ आपको एयरड्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन भी रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। तो अभी हम वापस लूना क्लासिक की बात करने वाले हैं और इसमें USDC हमें कैसे प्रॉफिट देने वाला है। एंड ये जो कॉइन है, ये कॉइन हमने तब बाय किया था एक्चुअल में जब टेरा लूना क्रैश हुआ था, जब एक नया लूना बनाया गया था, तब हमने लो वैल्यू वाले जो लूना क्लासिक था उसको बाय किया था। और इसी के साथ साथ USDC की भी अच्छी खासी क्वांटिटी इसलिए बाय करी थी कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि एक दिन आएगा जब इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आज वही चीज़ हमारे सामने दिख रही है कि इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते मैं आपको ये तो सबसे पहले बता ही देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है। तो बाइनेंस फ्यूचर्स में अभी दोबारा से USDM USDC के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, अभी फिर से लॉन्च हुए क्योंकि इनको पहले डीलिस्ट कर दिया गया था फ्यूचर से। अब ये 50x लेवरेज तक इनको ट्रेड भी किया जा सकता है। तो पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ी एक्सचेंज जो बाइनेंस है, इसके ऊपर अगर इसके परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर इसकी शुरू हो जाती है और वो भी 50x लेवरेज तक, तो आप खुद सोचिए कि 50x लेवरेज तक अगर लगाए जाते हैं USDC ट्रेड में तो कितनी बड़ी वॉल्यूम जाती है। अगर 10 लगाए जाते हैं तो 50 गुना हो जाएंगे, अगर 100 लगाए जाते हैं तो भी 50 गुना होंगे। तो कितने ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस के ऊपर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है USDC की, इसी के साथ साथ बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी USDC की वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग लगातार बढ़ रही है। लेकिन आप ये चीज़ भी मानकर चलो कि USDC का लेना देना बिल्कुल है लूना क्लासिक के साथ भी और एक्चुअल लूना के साथ भी। तो ये याद रखना कि जो एक्चुअल लूना है, जो नया लूना है, उसकी वैल्यू $0.80 के आसपास चल रही है, यानी कि 80-90 सेंट के आसपास चल रही है। अब उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लगातार कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इनफ्लोज आ रहे हैं। लगभग $15 मिलियन का कैपिटल इनफ्लो हुआ है टेरा इकोसिस्टम में। तो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जा रहे हैं टेरा के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या कि नई से नई इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, नए से नए डैप्स बिल्ड कर रहे हैं। और पिछले 3 घंटे में भी लगभग $6 मिलियन से भी ज्यादा 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि टेरा की ऑन चेन एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आपके हमेशा 3 सवाल तो रहने वाले हैं कि क्या लूना का प्राइस बढ़ेगा, तो हाँ वो बढ़ रहा है। USDC का प्राइस बढ़ेगा, जी हाँ वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि USDC का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। लूना क्लासिक की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं वो भी हम देख पा रहे हैं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या एक्चुअल में एक नया USDT आएगा या नहीं, यानी कि USDT पहले था, USDT को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, क्या अभी एक नया स्टेबल कॉइन टेरा लूना का आएगा या नहीं आएगा। तो वहाँ दोस्तों अभी टेरा का कोई भी USDT या USDT 2.0 नहीं आएगा। तो कोई भी अगर आपका ऐसा फेक कॉइन दिखता है तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट मत करना। लेकिन जो क्लासिक इसका जो USDT है, यानी कि जो क्लासिक इनका अपना खुद का स्टेबल कॉइन है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने ऑलरेडी करी है तो ऑलरेडी आई थिंक प्रॉफिट अच्छा बन गया होगा, वरना उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि वो डेफिनेटली अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। जैसे कि बाइनेंस के ऊपर इसकी दोबारा से फ्यूचर्स में एज ए परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट भी लिस्टिंग हो चुकी है, इसको जो 50x लेवरेज तक ट्रेड भी किया जा सकता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रहा है और देने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 1 साल तक ये प्राइस यहीं पे अटका हुआ था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, यानी कि लगभग 10-20 सेंट के आसपास जाता था फिर नीचे आ जाता था। अभी बहुत लंबे समय के बाद इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ी है। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जनरली जब भी कोई स्टेबल कॉइन अपनी वैल्यू लूज़ करता है या फिर क्लैप्स होता है तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेबल कॉइन डी पैक हो जाता है तो उसको वापस लाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें उतने इन्फ्लोज ही नहीं आते और उसकी वैल्यू कभी भी हम डॉलर के बराबर सिक्योर वे में नहीं मान सकते। लेकिन अभी जो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि USDC की और लूना क्लासिक की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ था और एक न्यूज़ की एक अपडेट की वेट कर रहे थे। जैसी न्यूज़ आई तो उन्होंने ट्रेडिंग चालू कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑन चेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ तो बड़ी ही बड़ी हैं, इन जो क्लासिक कॉइन्स हैं इनकी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ चुकी है। और देखते ही देखते हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब इसी के साथ एक और जो मेन रीज़न है वो ये कि जो एक एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि ट्विटर के ऊपर ट्रेड क्यूटी हैं, उन्होंने 25.6 मिलियन USDC अक्वायर किए हैं, यानी कि बाय किए हैं, जो कि लगभग $5 लाख के बनते हैं। और ये उन्होंने ट्रेजरी रिजर्व पॉलिसी के बेसिस पर या फिर उसी कारण इन्होंने ये कॉइन्स को बाय किया है। और जब इन्होंने एक्वायर किया था तब इसकी वैल्यू $0.021 के आसपास थी, यानी कि एकदम से जो मैसिव बाइंग आई है तो मार्केट में एकदम से वेव फैल गया
कि इतनी बड़ी बाइंग आई तो फॉर श्योर इसकी वैल्यू भी ऊपर जाने वाली है। एंड आप देख सकते हैं कि फोमो क्रिएट होने के साथ साथ इसकी वैल्यू ऊपर भी गई है। तो पिछले दो दिन के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 400% से भी ज़्यादा हमने प्रॉफिट ऑलरेडी इसी कॉइन में देख लिया है, और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो हज़ारों परसेंटेज से बढ़ चुका है। तो ये है सबसे बड़े रीज़न कि क्यों USTC और LUNC ये दो कॉइन्स हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा जो मेन टारगेट है वो ये कि प्रॉफिट अर्न करना लूना से। जो लूना प्रोजेक्ट था एक समय पे, वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था और इसने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिया था अपने समय में। अभी भी पूरी पूरी उम्मीद है कि जो लूना है अभी वापस अगर मार्केट में उसी तरीके से अगर उतर आता है जैसे कि इसमें इन्फ्लोज लगातार आते जा रहे हैं, जो कैपिटल इंजेक्ट करी जा रही है, इसकी वजह से डेफिनेटली लूना, लूना क्लासिक और USTC ये तीनों हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।